बोलने वाला तोता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको एक बोलने वाले तोते की कहानी सुनाएंगे। एक बार एक शिकारी ने जंगल में एक तोते को पकड़ लिया। वो उसे अपनी पत्नी के पास घर ले आया, जो तोते का भोजन बनाने वाली थी। तभी तोते ने चिल्लाकर बोला, रुको, कृपया मुझे मत मारो, मुझे राजा के पास ले चलो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। शिकारी तोते को राजा के सामने ले आया और उसे बेचने की पेशकश की। राजा ने तोते पर एक नजर डाली और उसे वो तुरंत पसंद आ गया। दाम क्या है? जो आपको ठीक लगे। नहीं, आप उसे लाए हैं बेचने के लिए, आपको इसका सही दाम पता होगा। 2000 रुपए। सिपाही, इसे 2000 रुपए दे दो और तोते को ले लो। सिपाही 2000 रुपए लेकर आया और जैसे ही शिकारी को देने लगा, तब तोता बोल पड़ा, नहीं, मेरी कीमत सिर्फ 2000 रुपए नहीं है। तोते को इतनी समझ है और इतनी अच्छी आवाज में वो बोला। ये देखकर और सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो तुम खुद बताओ, तुम्हारी कीमत क्या होनी चाहिए? मेरी कीमत कम से कम 20000 रुपए होनी चाहिए। मेरे लिए 20000 रुपए मायने नहीं रखता, पर तुम अपनी कीमत 20000 बता रहे हो, जबकि शिकारी जो तुम्हारा मालिक है वो 2000 कीमत बता रहा है। शिकारी को मेरी खूबियों के बारे में जानकारी नहीं है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या खूबियाँ है तुम में? मैं राजनीति सहित सभी विषयों पर बुद्धिमानी से बात कर सकता हूँ। मैं हिंदू धर्म में सभी देवताओं का नाम बोल सकता हूँ। सिपाही, शिकारी को 20000 रुपए दे दो और तोते को ले लो। राजा को तोते से इतना प्यार हो गया कि वो जल्द ही अपनी पत्नियों के बारे में सब कुछ भूल गया। समय बीतते गया और उसकी पत्नियों को यह अखरने लगा और वे तोते से ईर्ष्या करने लगी और फिर उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई। एक दिन राजा को कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जाना पड़ा। जब वो जा रहा था, उसकी तीनों पत्नियां उदास होने का नाटक करती रहीं। वास्तव में वे राजा के जाने का इंतजार कर रही थी ताकि वे तोते को मार सके। तीनों रानियों ने मिलकर तोते के लिए जाल बिछाया। हम तीनों में से सबसे बदसूरत कौन है? योजना ये थी कि यदि तोते ने उनमें से किसी का नाम लिया तो वे उसकी अशिष्टता के कारण उसे मार डालेंगे। पहले मुझे पिंजरे से बाहर आने दो ताकि मैं तुम सबको करीब से देख सकूं। तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है, हम तीनों तुम्हारे पिंजरे के पास ही आ जाते हैं। नहीं, इस पिंजरे में मैं आजादी से सोच समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पिंजरे से बाहर निकालो और अपने सवाल का उचित जवाब जान लो। हम तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालते हैं। सिपाही, तोते को पिंजरे से बाहर निकालो। तोता पिंजरे से जैसे ही बाहर निकला तो ये कहते हुए वो उड़ गया। आप में से कोई भी समुद्र से परे रहने वाली राजकुमारी से अधिक सुंदर नहीं है। कुछ दिनों बाद राजा वापस आ गया। जब उसे पता चला कि उसका पालतू तोता गायब है तो वो बहुत परेशान हुआ। यहाँ तक कि उसे भोजन करने में भी रुचि नहीं रही। अंत में उसने तोते को वापस करने वाले को एक बड़ा इनाम देने का फैसला किया। फिर वही शिकारी फिर से तोते को वापस महल में ले आया। तोते ने राजा को सब बता दिया कि कैसे उसकी तीनों पत्नियों ने उसे मार डालने की योजना बनाई थी। राजा का प्रेम तोते पर इतना अधिक था कि ये सुनकर उसने अपनी तीनों पत्नियों को दूर भेज दिया और उसने कहा कि फिर कभी महल में ना लौटे। बताओ बुद्धिमान, क्या सच है कि समुद्र के पार रहने वाली राजकुमारी मेरी तीनों रानियों से अधिक सुंदर है? जी महाराज, लेकिन ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि राजकुमारी अकेली है, क्योंकि उसके दुष्ट चाचा उसे कोई दोस्त नहीं बनाने देते। उसके चाचा जल्द ही उसकी शादी एक काले राजकुमार से कर देंगे, जो बहुत ही कठोर दिल का आदमी है। महाराज, आपको राजकुमारी को उसके दुष्ट चाचा से बचाना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? उड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाओ, मैं रास्ता दिखाऊंगा। राजा फौरन उड़ते हुए घोड़े पर बैठ गया और उड़ गया।
तोता रास्ता दिखाने के लिए थोड़ा आगे उड़ गया। दोनों ने मिलकर समुद्र के पार उड़ान भरी। वे महल के मैदान में उतरे, जहां राजकुमारी रहती थी। हुआ यूं कि राजकुमारी बगीचे में टहल रही थी। राजा बगीचे के किनारे झाड़ियों के पीछे छिप गया। जब राजकुमारी को उसने देखा, तो उसने उसके रास्ते में कुछ सुनहरे बटन फेंके। ये सुनहरे बटन तोते ने राजा को साथ लाने की सलाह दी थी। जब राजकुमारी ने बटनों को देखा, तो वो राजा के और करीब आ गई। अब समय है, उसे ले भाग जाओ। राजा ने राजकुमारी को अपनी गोद में उठा लिया और उड़ते हुए घोड़े पर चढ़ गया। उत्तेजना में राजा ये भूल गया कि उसे घोड़े को केवल एक बार कोड़े मारने की अनुमति है। इसके बजाय उसने घोड़े को कई बार कोड़े मारे, ताकि वो तेजी से उड़ सके। धीरे धीरे जादुई घोड़े ने अपने पंखों की शक्ति खो दी और काले राजकुमार के स्वामित्व वाले जंगल में उड़ गया। हुआ ये कि काला राजकुमार शिकार के लिए निकला था और उसके कुत्ते उसे राजकुमारी और राजा के पास ले गए। राजकुमारी के चाचा ने काले राजकुमार से वादा किया था कि वो एक दिन उसकी पत्नी बनेगी। जब काले राजकुमार ने राजकुमारी को जंगल में पाया, तो वो उसे अपने साथ ले गया। उसने सैनिकों को राजा को मारने का आदेश दिया। उसे मारने के बाद सिपाहियों ने उसे मरा समझ कर छोड़ दिया। तोते ने धीरे धीरे राजा को ठीक किया। जैसे जैसे दिन महीनों में बीतते गए, राजा को अच्छा लगने लगा। उनका पहला विचार राजकुमारी को खोजने का था। इसी बीच राजकुमारी काले राजकुमार द्वारा कैदी के रूप में रखी जा रही थी। जिस घोड़े में बैठकर वो आई थी, जब उसने उसे देखा तो वो बहुत दुखी हुई। वो दयालु राजा और उससे बात करने वाले तोते को याद करने लगी। वो सोच रही थी कि अगर उसे ये बात करने वाला तोता मिल जाता, तो वो राजा को ढूंढ लेती। राजकुमारी बगीचे में पक्षियों के लिए ढेर सारे बीज छोड़ जाती थी। पहले तो कुछ ही पक्षी बीज खाने आए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक पक्षी आते गए। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को बताने लगी कि एक दयालु राजकुमारी उन्हें अपने बगीचे में दाना खिला रही है। आखिरकार बात करने वाले तोते तक खबर पहुंच गई। वो तुरंत देखने आया कि वो दयालु महिला कौन है। राजकुमारी ने बात करने वाले तोते को देखा तो वो बहुत खुश हुई। क्या तुम्हारा स्वामी ठीक है? वो कहाँ है? राजा ठीक है और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो कमजोर है। यहाँ रुको, मैं उड़ने वाला घोड़ा लाती हूँ, जिसने अपनी ताकत वापस पा ली है। हम सब मिलकर राजा को बचाएंगे। राजकुमारी जादुई घोड़े के साथ लौटी। तोते, अब तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तोता उड़ गया और घोड़ा उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। वे जंगल में पहुंचे, जहां राजा आराम कर रहा था। राजकुमारी को देखकर वो बहुत खुश हुआ। फिर कुछ समय बाद ही राजकुमारी और राजा ने शादी कर ली और अपने प्यारे तोते के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है बेहद पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली कहानियों को सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना वैल्यूएबल सजेशन कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।